अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं कोकोनट जेली। ये बहुत ही अच्छी स्वीट डेजर्ट है। इसके लिए हमने लिए हैं अगर अगर 10 ग्राम अगर अगर लिए हैं। लेकर मैंने इसे पानी में भिगो दिया है। ये पैकेट में 10 ग्राम अगर अगर आती है। इस एक पैकेट को आप भिगो दें, या फिर आप अगर पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 बड़े चमचे अगर अगर के पाउडर लें। अगर अगर को चाइना ग्रास भी कहते हैं, तो इस अगर अगर को आप याद रखें, इसे चाइना ग्रास भी कहते हैं। इसके साथ हमने लिया है 2 नारियल का पानी, कोकोनट वाटर, और साथ में हमने लिया है 250 ml कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध, और साथ में है 4 से 5 बड़े चमचे चीनी यानी शुगर। कोकोनट जेली बनाने के लिए सबसे पहले हम अगर अगर को कुक करेंगे। पैन गरम किया और हमने इसे पानी के साथ डाल दिया पकने के लिए। अगर अगर को हम कुछ देर के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसकी ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और उसकी क्वांटिटी आधी हो जाए। इसे चेक कर लेंगे। अब हम चाइना ग्रास का मिक्सचर बराबर से कुक हुआ या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमने प्लेट में थोड़ा सा चाइना ग्रास का मिक्सचर डाला और अब 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। अगर अगर का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल सख्त हो चुका है, हार्ड हो चुका है, बिल्कुल ये कांच की तरह नज़र आ रहा है। ये देखिए, आपको मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये पीस तैयार हो गया है, जम गया है बिल्कुल अच्छे से। इसका मतलब है हमारी अगर अगर का मिक्सचर जो है हमारा, वो बिल्कुल प्रॉपर पक चुका है और अब वो दूध में मिलाने के लिए रेडी है। पैन गरम किया, पैन गरम करके हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। मैंने कोकोनट मिल्क के साथ जो कोकोनट जब हम लेते हैं तो उसकी जो मलाई आती है, जिसे कच्चा कोकोनट जो लग होता है, उसे कोकोनट मिल्क में डाल के ग्राइंड कर दिया है। तो इसके अंदर जो है 1 कप कोकोनट मिल्क है और साथ में जो कोकोनट की मलाई है, मैंने उसे डाल के ग्राइंड कर दिया। ये हमने डाली उसमें 3 से 4 चमचे शुगर। आप टेस्ट कर लीजिए और ज़रूरत के मुताबिक शुगर मिलाएं। अगर कोकोनट ज़्यादा मीठा है तो कम शुगर मिलाएं। मैंने 4 चमचे इसमें शुगर मिला दी। कोकोनट मिल्क को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हमें उबालना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा हमें गर्म करना है। देखिए, साइड में उबाल आना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे अगर अगर का मिक्सचर। अगर अगर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है वो आधा हमने रख दिया है। इसमें आधा मिक्सचर मिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अगर अगर का मिक्सचर जो है कोकोनट मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब फ्लेम बंद करके हम इसे और ठंडा करेंगे। सर्विंग डिश के अंदर हम कोकोनट मिल्क को डालेंगे जो अभी हमने तैयार किया था। कोकोनट मिल्क में हमने मिलाया है अगर अगर का मिक्सचर और इसे ठंडा होने से पहले ही हम सर्विंग डिश में डाल देंगे। ये हमने पूरा डाला। अब सर्विंग डिश को हम सेट होने के लिए रख देंगे जब तक हम कोकोनट वाटर पकाते हैं। पैन गरम करके हम इसमें डाल रहे हैं कच्चे नारियल का पानी, जिसे टेंडर कोकोनट भी कहा जाता है। इसे डालकर हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे बॉईल नहीं करना है। हम कुछ देर से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये गर्म हो जाए। इसके अंदर हमने मिलाई 2 से 3 चमचे शुगर।
ये कच्चे नारियल यानी टेंडर कोकोनट का पानी है। कोकोनट वाटर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे चाइना ग्रास का मिक्सचर। आधे चाइना ग्रास का मिक्सचर हमने कोकोनट मिल्क में मिलाया और आधा रखा था, ये देखिए आधा इसमें हम मिला देंगे। अगर आपका चाइना ग्रास का मिक्सचर पानी में डालते वक्त जम जाए तो उसे हल्का सा गर्म कर दीजिए, दोबारा से चाइना ग्रास यानी अगर अगर का मिक्सचर मेल्ट हो जाएगा और फिर आप इसे कोकोनट वाटर में मिला दीजिए। इसे हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि अगर अगर जो है वो कोकोनट वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये रही हमारी सर्विंग डिश। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से कोकोनट मिल्क हमारी सेट हो चुकी है। पहली लेयर हमने कोकोनट मिल्क की लगाई यानी कोकोनट दूध की। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे नारियल पानी की यानी कोकोनट वाटर की। ये देखिए ये नारियल पानी इसके ऊपर हम आहिस्ता से डाल देंगे, पूरा नारियल पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे कुछ थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसे फ्रूट से गार्निश करेंगे। नारियल पानी कोकोनट वाटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो ये सेट हो जाएगा। थोड़ा ठंडा हुआ है तो अब इसके ऊपर हम अपनी पसंद की फ्रूट डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रूट डालें, नहीं तो ऐसे ही सर्व करें, या फिर इसके ऊपर आप टेंडर कोकोनट डाल दीजिए। मैं डाल रही हूँ फ्रूट्स, मैंने डाला मैंगो, लीची और साथ में मैं इसमें डालूंगी पोमीग्रेनेट जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, अनार। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए मैंने डाला अनार। ये डालकर फ्रूट डालकर हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे और फिर इसे चिल्ड करके हम सर्व करेंगे। ये देखिए कोकोनट जेली हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। कोकोनट जेली बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। इसके ऊपर हमने रखी एक प्लेट और इसे पलटे, यह टर्न किया हमने, पूरा पुडिंग जो है हमारी आ गई प्लेट में। कोकोनट जेली बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। मैं आपको कट करके बताती हूँ, ये देखिए कितने आराम से ये कट रही है और बहुत ही सख्त, बहुत ही हार्ड, अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए जब आप खाओगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये पुडिंग है तो किस चीज़ की है, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट भी है, कोकोनट मिल्क भी है, कोकोनट वाटर भी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, इसे आप जो नाम दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक